हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का 6 बज गया है और मैं आज आई हूँ बाहर मॉर्निंग वॉक करने के लिए। और आज बाहर का वेदर देखिए काफ़ी अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। खुले आसमान के नीचे ठंडी ठंडी हवा में टहलना मुझे काफ़ी पसंद है। और वैसे तो ये गांव की सुबह का फ्रेश हवा है, मैं आप सबको बता नहीं सकती कि मैं इस टाइम क्या फील कर रहा हूँ। सुबह सुबह गांव की ये ग्रीनरी और भी अच्छा लगता है देखने के लिए। इसे देखकर ना माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। सुबह सुबह अगर इस टाइप का ग्रीनरी और फ्रेश फ्रेश हवा देखने को मिल जाए तो पूरा दिन बहुत अच्छे से जाता है। तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ बैठ गई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और थोड़ी देर बैठने के बाद मैं फिर से वापस चली जाऊँगी घर पे। तो आज ब्रेकफास्ट में पूरी के साथ चना दाल और आलू की सब्जी बनेगा। तो सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है। ऑयल गरम हो जाने के बाद उसमें थोड़ा सा रेड चिली, थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स डाल दिया है। उसमें एक तेजपत्ता, एक दालचीनी भी डाल दिया है। तो अभी उसमें कटा हुआ प्याज को डालेंगे। प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज हल्का सा फ्राई हो जाने के बाद उसमें थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी डाल देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। और थोड़ी देर के बाद इसमें कटा हुआ टमाटर को भी डाल देंगे। तो यहाँ टमाटर में हल्का सा नमक डालेंगे क्योंकि पहले से ही चना दाल और आलू में नमक हल्दी डालकर उसे अच्छे से बॉयल करके रखा गया है, तो इसीलिए ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। तो अभी इसमें सिलबट्टे में पिसा हुआ मसाला को भी डाल देंगे। मसाला में थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स को अच्छे से पेस्ट बनाकर रखा गया था। तो सारी मसाला को अच्छे से फ्राई करने के बाद उसमें रेगुलर की पाउडर मसाला भी ऐड कर देंगे, जैसे कि जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा चना मसाला।
तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे ढककर रख देंगे ताकि मसाला अच्छे से हो जाएगा। तो ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अभी हम इसमें बॉयल किया हुआ चना दाल और आलू को भी डाल देंगे। तो सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे ताकि सब्जी के अंदर मसाला अच्छे से जा पाएगा। और लास्ट में इसमें थोड़ा सा गरम मसाला को भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फाइनली ये देखिए सब्जी हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। तो पूरी बनाने के लिए मैं यहाँ आटा गूंद रही हूँ, थोड़ी देर इसे ढककर रखूंगी और उसके बाद इसका पूरी बनाऊंगी। तो आटा को थोड़ी देर के लिए ढककर रखने के बाद मैं अभी उसका पूरी बना रही हूँ। तो एक एक करके सारी पूरियों को हम यहाँ तल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पूरी बहुत अच्छे से फूल रहा है क्योंकि मैं आटा को थोड़ी देर के लिए ढककर रख दिया था। तो सारी पूरियों को बनाने के बाद अभी हम ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। तो ये था आज का हमारा सिंपल सा ब्रेकफास्ट की थाली। तो मैं यहाँ बातें करते हुए अपना ब्रेकफास्ट भी कर रही हूँ और आज की इस वीडियो को मैं ही पेंट कर लेती हूँ। होपफुली आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सब मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।